आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से कर्नल अजय जी, बात करें अगर ग्वार की, तो हमने ग्वार में उठापटक माहौल पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा देखा है। वहीं इस कारोबारी सप्ताह की बात करें तो बीते कारोबारी सप्ताह भी ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनी, फंडामेंटल्स मजबूती की ही हो रहे हैं, लेकिन तब भी हम देख रहे हैं कि ग्वार सीड की जो वायदा बाजार है उसमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। आपसे मेरा सवाल रहेगा, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है जब फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो एक तरफा तेजी क्यों नहीं बंद के चल रही है, ग्वार में क्यों उठापटक देखने को मिल रही है, और अब आज का बाजार ग्वार का कैसा रहेगा और आगे कैसा रह सकता है? देखिए, ग्वार सीड का जैसे हमने बताया था आपको कि इस साल ग्वार सीड की बिजाई ही काफी कम हुई है और इसमें लगभग 60% से कम बिजाई पिछले सालों के बनिस्पत हुई है। और उसका प्रमुख कारण भी ये रहा कि पिछले यदि हम पिछले 8-10 सालों का यदि हम विश्लेषण देखें तो ग्वार की कीमतों में साल दर साल गिरावट ही दर्ज हुई और इससे किसान और जो व्यापारी हैं वो बड़े परेशान हुए। गौरतलब है कि पूरे विश्व के अंदर ग्वार की जो उपज है वो सिर्फ भारत और कुछ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में होती है, बाकी कहीं और होती नहीं है। और लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ की एक इंडस्ट्री है ये, और इसके ऊपर पूरा वर्चस्व भारतीयों का है, और भारतीयों में भी विशेषकर पश्चिमी राजस्थान और कुछ हरियाणा और गुजरात के कुछ इलाके, इसी में इसका ट्रेड होता है और इसी में ही पूरी इंडस्ट्री सिमट के रही है। अब चूंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है, कारोबार बहुत छोटा है, तो इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स इसको तेजी मंदी के अंदर रस्ता कटी यानी टंग ऑफ वॉर करते रहते हैं, और उसके अंदर फंडामेंटल के हिसाब से जो चल रहा होता है, जो धैर्य से काम करता है वो हमेशा मुनाफा कमाता है, और जो ओवर लिवरेज में काम कर रहा है, ओवर ट्रेडिंग में काम कर रहा है यानी लाख रुपए लगा के 50 लाख का काम कर रहा है, और वो तो ऐसे करने के अंदर जो तेजड़िए या मंदड़ी है इनके आपस की लड़ाई के अंदर वो नुकसान हो जाता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो भी कारोबारी या किसान ग्वार सीड के अंदर मेरा ये शो सुन रहे हैं, उनके लिए एक मेरी सलाह ये है, यही है कि आप धैर्य रखें। तेजड़ी और मंदड़ों की लड़ाई के अंदर ये मरते और जीते रहेंगे, कभी कोई जीतेगा और कभी कोई हारेगा, ये इनका गेम है। लेकिन ग्वार सीड के जो फंडामेंटल हैं मजबूत हैं। इस साल मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे पिछले साल भी जब मतलब 2021 जो वर्तमान साल के अंदर भी जब ग्वार सीड 4,000 के आसपास 3,900 के आसपास था, तब भी हमने कहा था कि देखिए यदि 6 महीने पहले हमारे वीडियो जो आप सुने या हमारे शो आप सुने, इस साल ग्वार के अंदर अच्छी पैदा होगी, और वही हुआ कि अच्छा मुनाफा मिला और फसल इसकी मौसम से भी खराब हुई और बिजाई कम होने की वजह से काफी अच्छा मुनाफा किसानों और कारोबारियों ने कमाया भी, और ग्वार के जो स्पॉट प्राइसेस थे वो अलग अलग मंडियों के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग बताए भी गए और ट्रेड भी हुआ, कहीं कम हुआ कहीं ज्यादा हुआ, कहीं 7,000 का 8,000 का 9,000 का, और कुछ मंडियों के अंदर तो कुछ छोटी सीमित के अंदर 10,000 से ऊपर का भाव भी ट्रेड हुआ। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी कमोडिटी एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी नहीं चलती है। एक लेवल के बाद आदि आपका 4,000 का ग्वार 6,000 हो गया है, 6,500 हो गया है, 6,800 हो गया है, उसमें लगभग 50 से 60% की वृद्धि हो गई है, तो उस वृद्धि के बाद में कहीं विराम लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी 2 गुना 3 गुना 5 गुना, ऐसा नहीं होता है। आज व्यापार के अंदर यदि आपको 50% का लाभ मिल गया, 4,000 का ग्वार लेके आपने 6,500-6,800 में तक आपने है, तो आपको कुछ मुनाफा वसूल करना चाहिए। उस 6,800 के बाद में जब वो नीचे आता है तो आएगा ही, उसमें कहीं वो एक प्रॉफिट बुकिंग का एक लेवल है, उस लेवल के अंदर वो मुनाफा वसूल होगा, वो फिर निचले स्तर के ऊपर जाएगा, फिर आप उसको खरीदिए या फिर चलते रहिए, ये बाजार की प्रतिक्रिया है। जहां तक ग्वार का सवाल है, इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है, एक्सपोर्टर्स के पास पूरे ऑर्डर हैं,
अच्छी क्वालिटी का गवार बाजारों के अंदर इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। और जो जहां तक ये स्पेकुलेटिव या कार्रवाइयों का सवाल है, ये बाजारों की फितरत है। आप देखिए, यदि शेयर बाजार के अंदर भी यदि आप देखें कि जो बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं या अंबानी ग्रुप की कंपनीज हैं, या फिर आप ये विप्रो की रेशम प्रेम जी की कंपनी है, रमेश धनी है, शिव नडार है, इनके अंदर जबरदस्त किसी को आती जो 200-300-400% की इनके अंदर मूवमेंट रही। तो ये बाजार है, इस बाजार को आपको तेजी और मंदी दोनों में ही रहने की आपको आदत होनी चाहिए। एक दूसरा, मैं अपनी तरफ से एक गाइडलाइन आपको से सजेस्ट करता हूँ, ना आपकी अपनी मर्जी है कि यदि आपके पास अच्छा मुनाफा आ रहा है तो 50% अपना माल बुक करना चाहिए, फिर तेजी बनती है 20-25% साथ में मुनाफा बुक करना चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए सिर्फ 15-20% आपके पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास 10 टन माल है या 20 टन माल है या 50 टन माल है, 50 टन आप तो हाइएस्ट दामों पर बेचेंगे, ऐसे कैसे होगा? ये नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। ये कारोबार का एक नियम है, तेज आएगा तेज बिकेगा, मंदा आएगा मंदा बिकेगा। और अपने टाइम पे जो मुनाफा वसूल नहीं करता है वो परेशानियों में ही रहता है। यदि वो तेजी आएगी तो भी परेशान रहेगा और मंदी आएगी तो भी परेशान रहेगा। अतः अपना टाइमली मुनाफा बुक कर लेना चाहिए और अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करना चाहिए। परेशानी उन लोगों को है कि जिनके पास 5 लाख है और उन्होंने काम कर रखा है 5 करोड़ का, उन्होंने लॉट रेट ले रखे हैं किसी ने अपनी क्षमताओं से अधिक, वो हमेशा परेशान रहेंगे, चाहे तेजी होगी या मंदी, या निश्चित मानिए, यही मेरा कहना है। और मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूं कि आप व्यापारी बने, कारोबारी बने, ट्रेडर बने, इन्वेस्टर बने, स्पेक्यूलेटर बनने का प्रयास नहीं करें। स्पेक्यूलेटर कमाता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन वो हर बार नहीं कमाता है। जैसे क्रिकेट के अंदर हर बॉल पे आप छक्का मारने की कोशिश करेंगे तो एक दो बार तो छक्के मार लेंगे के बाद आप आउट जल्दी हो जाएंगे। आप बॉल के हिसाब से आप अपना काम देखिए, अच्छी बॉल को सम्मान दीजिए, खराब बॉल पे को पीटें। यही बाजारों का एक दस्तूर है और यही पहले भी ऐसे ही चलता था, आज भी ऐसे ही चलेगा और कल भी ऐसे ही चलेगा। ये अखिलेश जी जी, झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।